अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए चॉकलेट स्प्रेड बनाना आपको सिखाऊंगा। चॉकलेट सॉस कह लें या चॉकलेट की चटनी कह लें या चॉकलेट स्प्रेड आप इसे कह लें, तो कोई सा भी आप नाम दे दें, लेकिन दोस्तों ये बहुत अथेंटिक और मज़े की रेसिपी बनेगी। तो इसके लिए जो हमें मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों इसके लिए मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है, बिल्कुल खालिश है, इसमें कोई पानी का कतरा नहीं है। तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्ले का यूज़ कर लें, और पर वगैरह जो आपका दिल करता है वो यूज़ कर लें। तो मैंने ये टेट्रा पैक वाला लिया है, 1 कप दूध बगैर पानी के। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए बटर, मक्खन ये घर का मक्खन है, तो अगर आपको साल्टेड बटर भी मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मार्जरीन डाल लें तो चलेगा वो भी। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में चाहिए 1 टीस्पून के करीब मैदा, फाइन फ्लोर जो होता है, तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 टीस्पून हमें चाहिए चीनी, चीनी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं चॉकलेट सॉस के में, तो 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप 2 टीस्पून इस्तेमाल कर लें कोको पाउडर, और अगर डार्क चाहिए तो आप 3 टीस्पून इस्तेमाल कर लें। तो मैं 3 टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा डार्क अच्छा लगता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी का, हार्शे कंपनी का या जो डच कंपनी की चॉकलेट वाला जो कोको पाउडर है वो लें, तो हल्की क्वालिटी का मत लें, इससे आपका चॉकलेट फ्लेवर नहीं बनेगा अच्छा, ठीक है, अगर आप हल्की क्वालिटी का कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश करें कि आप अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर मार्केट से खरीदें। चलें दोस्तों इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। बनाना बहुत आसान है, सिंपल, बस हमने इसे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, दोस्तों बर्तन ले लें, और इसमें आप 6 टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर दें। ये मैंने नाप के रखी हुई है, ये पूरी 6 टीस्पून है। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून मक्खन, और ये दूध शामिल कर दें इसमें। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब हमने इसे हल्की आंच के ऊपर मुसलसल हलाते हुए 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये सॉस हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती, थोड़ी कुक नहीं हो जाती। चलें दोस्तों इसका कुकिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। चूल्हे पे लेंगे दोस्तों, मैंने मीडियम लो के ऊपर इसे रख दिए, इसे मुसलसल मैं चलाता जाऊँगा, मुसलसल हलाता जाऊँगा जब तक ये हमारी सॉस गाढ़ी नहीं हो जाती, थोड़ी पक नहीं जाती। तो जैसे ये गाढ़ी होती है पकती मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारी चॉकलेट सॉस तकरीबन तैयार हो गई है, देखिए इतनी अच्छी स्मूथ और गाढ़ी हो गई है। मैंने इसे अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है, तो जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसका पानी ड्राई कर लें। ये बिल्कुल रेडी है, चलिए मैं इसे अब ठंडा करता हूँ, फिर प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार आसान सी चॉकलेट सॉस तैयार है। दोस्तों देखिए कितनी ही स्मूथ और अच्छी बनी है, तो आप इसे किसी के ऊपर भी स्प्रेड करके खा सकते हैं, आइसक्रीम के ऊपर खाएं, पुडिंग के ऊपर खाएं, फ्रूट्स के ऊपर खाएं। स्पेशली इसका बनाना के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से मैंने बनाना साथ डेकोरेट किया है, देखिए। और ये बहुत पावरफुल और रिच एक रेसिपी बन जाती है बनाना के साथ, और ये चॉकलेट सॉस के साथ या चॉकलेट के किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। दोस्तों मैं आपको सॉस भी चेक करवाती हूँ, देखिए कितनी गाढ़ी है, कितनी ज़बरदस्त सॉस स्मूथ बनी है। तो आप इसे फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते से 15 दिन के दरमियान, यानी 2 हफ्ते तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने दूध के बगैर बनानी है चॉकलेट सॉस, डार्क चॉकलेट सॉस, मैं आपको आने वाली रेसिपीज़ में वो भी बताऊंगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें दूध शामिल करके इसे पतला कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये जम सी जाती है। तो इसमें आप थोड़ा सा टेट्रा पैक का दूध में शामिल करें और मिक्स कर लें तो आपकी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आपको वो मिल जाएगी। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इजाज़त दें, ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।